जो हर सभी स्टूडेंट को आज का जो क्लास है वो सेट थ्योरी से रिलेटेड है। सेट थ्योरी आपका जो ग्रेविसन का बुक में है, यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है पहले देखिए। तो पहला चीज आपको जो पढ़ना है वो है रिलेशन, आपको पढ़ना है रिलेशन। दूसरा चीज क्या पढ़ना है तो है सेट मैपिंग। अब दोनों चीज आप ग्रेजुएट इंटर में पढ़ चुके हैं 12th में, और वही चीज को पढ़ना है, थोड़ा सा विस्तार केवल करना है। यही तो है ग्रेजुएशन, जो आप इंटर में पढ़े हैं वो यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, आप बोलेंगे कहाँ पढ़े हैं, तो आप देखिए हम 12th का एनसीईआरटी बुक का बात करेंगे। ये आप एक्सरसाइज जो है ना 1.1 में पढ़े हैं, और इसको कहाँ पढ़े हैं तो 1.2 में पढ़े हैं। सोचिए कि ये एक बुक बना दिया, आप एक एक्सरसाइज पढ़े, 10 या 12 क्वेश्चन होगा आपका बुक में, अब उससे रिलेटेड आपको एक बुक अब पढ़ना पड़ेगा, ये है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पहले रिलेशन से। तो रिलेशन में भी पढ़ना क्या है, तो वो है टाइप ऑफ रिलेशन। हम लोगों को पढ़ना है टाइप ऑफ रिलेशन, तो जिसमें से पहला जो आता है वो आता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन क्या है देखिएगा कि ये रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, रिफ्लेक्सिव का पढ़ाएगा एक रिलेशन आप लोग पढ़े हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स करेगा ए में, दैट इंप्लाई ए ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। अगर ऐसा कोई भी एक अवयव ले लेते, कोई भी एक एलिमेंट जो सेट ए का हो और उसी अवयव का जोड़ा, अपने आप का जोड़ा अगर आर में प्रेजेंट है तो उसी को तो रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सिंपल सा बात है। इसमें आप एक एग्जांपल हम लेते हैं कि यदि हमारे पास है ए का वैल्यू दिया गया है, एक R1 ले लेते हैं, ये 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 1 2 हो गया, तो 1 इस तरह करके है। अब इससे हम बताते हैं कि क्या यह रिफ्लेक्सिव का रूल को फॉलो करता है। तो देखिए कि आप देखिए यहाँ जैसे सेट ए में जितना भी अवयव है, देख लीजिए, एक है तो एक एक है, दो है दो दो है, तीन है तो तीन तीन है, अगर ऐसा होता है उसी को तो रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। कि कोई भी अवयव ए का अगर ले लेते हैं उसका जस्ट जोड़ा, मतलब सेम टू सेम अगर आर में है तो हम उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे। आप किसी ए को भी दिखा सकते हैं कि ए बिलोंग्स करता है ए में, लेकिन हम देखिए क्या उसका जोड़ा भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो दैट बोलेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन ए, दैट इंप्लाई ए ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि R1 इज क्या रिफ्लेक्सिव, R1 जो है वो क्या है रिफ्लेक्सिव। इस तरह और एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इसी एग्जांपल में केवल R2 ले लेते हैं, ऑल्सो हम एक और एग्जांपल R2 सिर्फ ले लिए, ऐसा हमको दिया गया है। हम देखेंगे क्या देखेंगे कि हम इसी क्वेश्चन से हम ले रहे हैं, ए मेरा यही है, ए जो है मेरा यही है। हम क्या देखेंगे कि हमारा जो 1 है जो बिलोंग्स करता है ए में, तो 1 1 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 2 2 भी है, लेकिन जैसे ही हम लोग 3 के पास जाते हैं 3 तो ए में है लेकिन क्या 3 3 है, 3 3 है, 3 3 है, नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे काट देंगे कि भैया नहीं है, और नहीं है तो इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। तो
ये हो गया पहला टाइप ऑफ रिलेशन का पहला चीज है रिफ्लेक्सिव, जिसको आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग जो चाहेंगे वो है साइमेट्रिक के पास, ये दूसरा टाइप है। क्या है तो साइमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या होता है कि ए रिलेशन इज सेड टू बी साइमेट्रिक इफ, कब तो ए बी अगर हम लोग उठा लेते हैं आर से और जस्ट उसका उल्टा अपोजिट भी अगर आर में ही बिलोंग्स करेगा तो हम लोग बोलेंगे वो रिलेशन कैसा है साइमेट्रिक। ए बी बी ए, जस्ट एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि ये इफ ए इक्वल हमको दिया है, वैसे ए से इसमें मतलब नहीं रहेगा, ये आर से ही मतलब रहेगा, फिर भी हम लोग ले लिए। जैसे इस रिलेशन में आप देखेंगे, अब एक मिनट कि ये जो 1-1 है और ये 2-2 है, इसको तो चेक ही नहीं करना क्योंकि इसका अपोजिट तो वही होगा, और ये किसके लिए है तो रिफ्लेक्सिव के लिए, हमको चेक क्या करना है साइमेट्रिक। तो हम लोग इसको देखेंगे कि इसको 1 और 2, जैसे ही 1-2 को देखते हैं तो क्या इसका अपोजिट करेंगे क्या हो जाएगा 2-1, क्या ये है यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग 1-2 लिए और इसका अपोजिट ये उल्टा किए तो देखते ये है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसीलिए आर इज ठीक है। ये इस तरह का एग्जांपल। एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं, फिर आर टू ले लेते हैं ठीक है, कि 1-1 है, 1-2 है, 2-2 है, 2-1 है, 1-3 है, ऐसा एग्जांपल ले। आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे क्या कि 1-1 को तो लेना नहीं है, 1-2 जैसे लेते हैं तो 2-1 है, हाँ है, 2-2 को लिए तो उसका तो अपोजिट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम 1-3 को लेते हैं और 1-3 का जो अपोजिट करते हैं तो हो जाएगा 3-1, लेकिन 3-1 जो है वो R2 में बिलोंग्स नहीं। इधर कितना दूर दिख रहा है पता नहीं चल रहा है, 3-1 जो है ये R2 में बिलोंग्स नहीं करता है, क्योंकि इसका 1-3 तो है, क्या इसका अपोजिट है, नहीं है, बिलोंग्स नहीं करता है, इसलिए R2 इज नॉट साइमेट्रिक। R2 जो है वो साइमेट्रिक नहीं है, यही है समझने के लिए, बस इसको इस रूल को जानना है, अपने आप चेकिंग होते जाएगा। अब तीसरा रूल है तीसरा रूल है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव रूल आपको थोड़ा सा समस्या करेगा, इसलिए इसको देखना है, क्या देखना है वही लिखेंगे हम लोग, ए रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ, का तो ए बी बिलोंग्स करेगा आर में, यहाँ आर अगर लिख लेते हैं ना तो ये सेंटेंस बहुत अच्छा रहेगा, ये रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, तो सब जगह आप लिख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी एंड जिससे लास्ट हुआ उसी से स्टार्ट करेंगे और एक न्यू चीज ले लेंगे, ये भी अगर बिलोंग्स करता है आर में तो बी भी जो है वो कॉमन है, इसका मतलब ए और सी ये भी बिलोंग्स करेगा कहाँ से, आर में,
तो इस ऐसा अगर होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल, ये सिर्फ चीक होगा आर, इसलिए आर ही ले लेते हैं। ये ले लिए, वन वन पे तो आपको चेक करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। तो किसको चेक करना, मान लेते वन टू ले लिए, वन टू जो लिए तो रूल क्या कहता है, ये चीज को देखना है कि जिससे लास्ट हुआ उसी से स्टार्ट कीजिए, सिर्फ टू से लास्ट हुआ टू से शुरू कीजिए। तो टू से शुरू करेंगे कि टू वन तो है, अब क्या कहता है कि ये जो टू आप लिए इस दोनों को ढक दीजिए, क्या बच्चा तो वन वन बचा। अब बोलेंगे क्या ये वन वन जो है ये आर में है, हाँ है दिख रहा है, चलिए ठीक है। अब और आगे भी जांच करके देखते हैं कि क्या और क्या होता है, ठीक है। एक टू टू भी ले लेते हैं, आगे और देखना चाहेंगे और जांच करके देखेंगे कि क्या ये होता है या नहीं होता है। जैसे देखिए टू वन ले लिए, अब इसी से लास्ट होना, ये भी है, ये भी तो है, वन थ्री भी तो है, तो हम लोग वन थ्री को ले लिए। अगर हम लोग वन वन को ढक दें तो क्या बचा, टू और थ्री बचा, मतलब ये भी तो बिलोंग्स करता है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे कि आर जो है वो ट्रांजिटिव है। अगर कोई भी रूल अगर इस तरीके से ले रहे हैं, कोई भी एक गलत हो जाता है, नहीं फॉलो होता है, तो हम बोलेंगे कि नहीं ये ट्रांजिटिव नहीं है। यही चीज को समझना है, ये तीनों चीज। अब एक और है, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ए रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ आर इज, देखना है आर क्या है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक भी होना चाहिए, साइमेट्रिक एज वेल एज, साथ ही साथ अगर ट्रांजिटिव भी है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। किसको, एक रिलेशन अगर तीनों चीज को नहीं आओ, अभी जो तीनों चीज हम लोग पढ़े, रिफ्लेक्सिव भी पढ़े, साइमेट्रिक भी पढ़े और ट्रांजिटिव, तीनों रूल अगर फॉलो हो जाता है तो वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए हम लोग इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए आ जाए एग्जाम में, ठीक है, ये पूछ देता है आपको। जैसे हम लोग अभी जांच क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव को लिखेंगे, तो रिफ्लेक्सिव का आपको डिफिनेशन हम लिखा दिए, आप उसी तरह लिख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन ए दैट इंप्लाइज ए ए बिलोंग्स इन आर, उसी तरह ट्रांजिटिव सॉरी साइमेट्रिक, साइमेट्रिक ए बी अगर बिलोंग्स करता है आर में तो बी ए भी उसका जस्ट ऑपोजिट भी बिलोंग्स करेगा आर में। तीसरा ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव कि ए बी अगर बिलोंग्स करता है आर में एंड BC भी belongs करेगा R में, इसका अर्थ हुआ कि AC also belongs in R। ये तीनों रूल अगर फॉलो हो जाता है तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, अन्यथा उसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। तो ये चीज हो सकता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो अब इस सबका एक साथ साथ में एग्जांपल भी जो हम दिए थे उस तरह एग्जांपल देते हुए दे दीजिएगा, ठीक है। या तीनों को जांच अगर आप करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, अब उसको जांच इसके जस्ट नीचे से एक लेट कर लीजिएगा कि लेट ए इक्वल, यहां पर इधर में लिख देते हैं हम, जस्ट इसके नीचे
आप लोग एक बार जांच कर लीजिएगा कि लेट हम लोग ए इक्वल ले लें, 1 2 3 ले लें, एंड आर इक्वल ले लें, 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए, 3 3। देखिए ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सबका जोड़ा है। उसी तरह उस तरह एग्जांपल आपको लेना पड़ेगा 1 2 एंड 2 1, ये साइमेट्रिक भी है ना। इसके बाद 1 3 3 1 2 3 3 2, ये सारा हम लिख दिए, इसलिए लिख दिए ताकि आपको जांच कर लेना है। अब जांच कीजिएगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तीनों होगा तब तो इक्विवेलेंस होगा। यही चीज आपको समझना है, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे का जो क्वेश्चन है, जो थ्योरम के जैसा आता है कभी कभी क्वेश्चन, कभी कभी थ्योरम जो बोलिएगा आप उस आधार पर कि प्रूव दैट कांग्रेस मॉडलो एन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट कांग्रेस मॉडलो एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो कांग्रेस मॉडलो है, मतलब इस तरह करके आपको तीन लकीर दिया रहेगा, इसी को कांग्रेस बोला जाता है। और ये मॉडलो कितना, तो ये मॉडलो एन, अब इसका अर्थ समझिए, ये मॉडलो एन इसका अर्थ हुआ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, मतलब n से वो डिविजिबल होगा। जैसे इस तरह का अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, जैसे कि 15 कांग्रेस 3, इसका अर्थ क्या हुआ, इसको घटा दीजिए तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा 12। समझना है कि दोनों को क्या कर देना है, घटाना है, तो घटेगा तो 12, इससे डिवाइड होगा तो मॉडुलो 4। अब देखेंगे कि 12 जो है 4 से भाग हो जाएगा, तो इस तरह लिखा जाएगा 15 कांग्रेस 3 मॉडुलो 4 15। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा क्या हो जाता है, कभी हमसे 15 कभी 3 बोला जाता है, क्योंकि हम लोग जो है रूरल एरिया से डिपेंड करते हैं और हिंदी मीडियम से, लेकिन फिर भी हम लोग हम ग्रेजुएशन किए हैं मैथ से ही, एसके यूनिवर्सिटी से, और इसके बाद हम एमएससी भी यहीं से किए हैं, बीएड भी हमारा हो चुका है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत जो है अपना झलक अपना संस्कृति जैसे है वो आ ही जाता है, ठीक है। तो बस लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग समझ पाते हैं अभी, ठीक है। तो वो भी हमको बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसे लगता है। तो देखिए ये हो गया कि मतलब दोनों को माइनस करेंगे और वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, एन से, ये चीज को देखना है। अब आगे वी नीड टू प्रूव कांग्रेस मॉडलो एन इज, क्योंकि हम लोगों को क्या इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव होता है, जब वो साइमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव, तीनों होगा तब तो इक्विवेलेंस। इसका अर्थ है कि हम लोगों को तीनों प्रूव करना है। तो पहला हम लोगों को प्रूव करना है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग को जोड़ा होता है, जैसे ले लेते हैं जैसे कि ए कांग्रेस ए, ए कांग्रेस ए, इसका अर्थ क्या हुआ कि ए माइनस ए इक्वल कितना हो गया, 0। अब 0 तो किसी से भी डिविजन हो जाएगा, कहने का अर्थ है 0 जो आया वो तो किसी को भी मतलब किसी से भाग लगा सकते हैं। जैसे देखिए कि 0/4 भाग तो लगेगा ही ना, 0/6 कुछ भी आ जाए भाग लग रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे 0 इज क्या, तो 0 इज डिविजिबल बाय एन, एन से डिविजिबल हो जाएगा ये, हो गया। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे क्या, तब ए ए बिलोंग्स करेगा कहां पर, आर में, मतलब कब, जब फॉर ऑल, ए कहां से लिया जाएगा, ए से लिया जाएगा, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव। देखिए ये सब जो थ्योरम है, थ्योरम क्वेश्चन, ये सबको मान मान के लेट कर करके ही तो प्रूव किया जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको बना लीजिए, तो ये आएगा ही एग्जाम में, ये चीज है। और एक है इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड एक थ्योरम है, उसको भी हम बता देंगे, ठीक है। तो दोनों थ्योरम अल्टरनेट ईयर पूछा जाता है और पूछेगा ही, इसलिए बढ़िया से इसको करना, ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम इजी इजी चीज है। रिफ्लेक्सिव चेक हो गया, अब हम लोग कहां पर आएंगे, अब साइमेट्रिक में आएंगे। साइमेट्रिक में हम लोग चलेंगे,
साइमेट्रिक में अगर ए बी लेते हैं तो बी ए प्रूव करना होता है। तो हम लोग देखें क्या कि ए बी जो है बिलोंग्स करेगा आर में, ये इसका रूल है, तब हमको दिखाना है कि बी ए भी बिलोंग्स करेगा। अगर ऐसा है इसका मतलब कि ए कॉन्ग्रेंस बी, मॉडुलो कितना, तो मॉडुलो है। इसका अर्थ है कि ए माइनस बी किससे भाग लेगा, इससे भाग लगेगा और बटा जो मॉडुलो एन है एन से भाग लगेगा। अब बराबर हम लोग मतलब कुछ भी मान लेते, दो बार चला, तीन बार चला, चार बार, किसी बार से भाग चलता है, ये हो गया। तो इसका मतलब यहां से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए नहीं हो जाएगा, इधर के ए तो नहीं है। अगर हम लोग बी माइनस ए एन लिखे तो माइनस ए, ये भी तो डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। माइनस बार चला, ऐसा थोड़ी बोला कि कहीं पर माइनस बार नहीं चलेगा, कितनों बार भी चला डिवाइड तो हो रहा है। इसका अर्थ है कि b कॉन्ग्रेंस n, ये भी किससे डिविजिबल हुआ, मॉडुलो n, मतलब कि b माइनस a इज, यहीं पर लिख सकते हैं हम लोग कि क्या लिखेंगे कि b माइनस a इज डिविजिबल बाय n। इसका मतलब कि b माइनस b और a भी बिलोंग्स करेगा R में। देखिए हम लेके चले ए बी और आ गया क्या बी ए, तो यही तो इसका रूल है। तो इसलिए बोलेंगे, इसलिए नीचे में आप लिखेंगे, नीचे शायद दिख नहीं रहा इसलिए हम इधर में लिख देते हैं कि इसलिए R इज क्या, तो साइमेट्रिक। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में याद कीजिए कि पहले हम लोगों को ए बी लेना होता है जो आर में बिलोंग्स करेगा, एंड बी सी बी जो है वो भी आर में बिलोंग्स करेगा। तब हम लोगों को क्या प्रूव करना होता है कि बी बी को ढक दे तो ए सी मेरा आर में होना चाहिए। तो देखते हैं इसका अर्थ हुआ कि मॉडुलो एन, इसका अर्थ हुआ कि बी कॉन्ग्रेंस सी और मॉडुलो एन, इसका अर्थ ये हुआ। इसका अर्थ ऐसा हुआ कि a माइनस बी डिवाइडेड बाय n इक्वल k बार में या कितने बार में चलेगा डिवाइड, b माइनस c डिवाइड बाय n हो सकता है k2 बार में चलेगा, ऐसा ले लीजिए। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ad क्या कर देते हैं, ad अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या होगा, तो जैसे a माइनस b बाय n प्लस b माइनस c बाय n इक्वल k1 प्लस k2। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो एन ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू के वन प्लस के टू, ऐसा आप देखेंगे। इधर भी थोड़ा सा लिखना होगा हमको, आप देखेंगे कि बी बी कट जाएगा तो ए माइनस सी डिवाइड बाय एन और ये हो जाएगा के वन प्लस के टू। और कितनों बार डिवाइड हो रहा है, क्या है, हो रहा है, काम खत्म। तो हम लोग बोलेंगे कि ए माइनस सी इज ऑल्सो डिविजल बाय एन, इसका मतलब ए और सी भी बिलोंग्स करेगा कहां पर, आर में। देखिए ए सी हम लोग तो प्रूव ही करना था ए सी, इसीलिए बोलेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव। आप देखिए आप क्या किए कि आपका रिफ्लेक्सिव भी हुआ, साइमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, मतलब तब तो इक्विवेलेंस हो गया। तो यही चीज तो हमको प्रूव करना था, इसलिए लिखेंगे कि देयरफॉर कॉन्ग्रेंस कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एन इज एन इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस प्रूव, यही तो हमको प्रूव करना था, समझे। तो इस तरह का क्या बनाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा और थोड़ा दोस्त सबको भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आगे भी पढ़ते जाएंगे और बने रहिएगा तो आप लोगों को फायदा भी मिलते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।